तो आज की जो हमारी फैमिली कॉन्वॉल्वलेसी है, इसके जो मेंबर्स हैं, जब हम उनको देखते हैं तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है जैसे कि फैमिली सोलेनेसी के मेंबर्स को देखकर लगता है। अधिकतर सड़क के किनारे आपको पर्पल कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स वाले एक कोई झाड़ दिखाई देते हैं, तो फिर वो इसी फैमिली के मेंबर है। दूसरा एक इसका मेंबर है जो आप लोग बहुत अधिकतर देखते रहते हैं, तो दैट इज अमर बेल। आप लोग बताएंगे किसी ने अमर बेल देखी है? बेटा अमर बेल कोई नहीं जानता है। गुड मॉर्निंग, अमर बेल आप लोग जानते हैं? अरे बहुत देखा है, सबने देखा है। जब आप हाँ नहीं, वो तो बेल का शरबत होता है। अमर बेल एक इस तरीके का प्लांट है जिसके अंदर ना तो आपको स्टेम दिखाई फ्लावर्स दिखाई देते हैं, ना लीफ दिखाई देती हैं। बहुत ही येलो येलो कलर की एक बेल जैसी, बहुत पहाड़ ये पेड़ों के ऊपर सड़क के किनारे आपको नहीं ऐसे उलझा हुआ दिखाई देता है, वो अमर बेल है। उसका नाम ही अमर बेल इसलिए है क्योंकि वो अमर है, और उसको जो है जब भी देखा जाएगा तो ऐसे ही दिखाई देता है कि भाई वो ऐसे ही कुछ धागे जैसी स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, पर वो एक टोटल पैरासाइट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो मतलब एंजियोस्पर्म है, डायगॉट है, और साथ साथ वो टोटल पैरासाइट भी है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो इसलिए वो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। जिसके ऊपर वो ग्रो कर रहा होता है उसी से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है, और अगर कहीं पे भी उसका छोटा सा भी पार्ट हम कहीं डाल देते हैं तो वो वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देता है। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो उसका नाम अमरबेल इसीलिए रखा गया है। तो ये जो फैमिली कॉन्वॉल्वलेसी है, इसका जो करेक्ट क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास गैमोपेटाली, सीरीज बाइकार्पेलेटी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड फैमिली कॉन्वॉल्वलेसी। ये मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है इस समय, और यही रिकॉर्डिंग अभी हम थोड़ी देर में शेयर कर देंगे, तो उसमें स्लाइड्स में आपको सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। और वैसे आप लोग नोट करते रहिए साथ साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग बताते हैं और वो नोट्स के अंदर नहीं होते, तो आपको जो चीज़ समझ में आती है, जो चीज़ लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, वो आपको नोट करते जाना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। ये हमारी थर्ड स्लाइड है जिसमें हम पॉपुलर मेम्बर्स ऑफ दिस फैमिली रखे हुए हैं। तो आप लोग शकरकंद जानते हैं, स्वीट पोटैटो, वो इसी फैमिली का मेंबर है, ठीक है। इसका बोटैनिकल नेम है आइपोमिया बटाटा। स्वीट पोटैटो बोटैनिकल नेम इज आइपोमिया बटाटा। आइपोमिया स्पीशीज दूसरी है। इसके बहुत सारे आइपोमिया नाम से बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आइपोमिया स्पीशीज एक दूसरी है जिसको हम मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट जानते हैं। उसका फ्लावर होता है बहुत सुंदर सा पर्पल कलर का। कस्कुटा स्पीशीज, कस्कुटा वही अमरबेल का बोटैनिकल नेम है, और उसको डॉडर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डॉडर, DODER। कैलोनिक्शन एक मून फ्लावर नाम का प्लांट होता है जो कि इसका मेंबर है। आर्जीरिया, ये सारे जो प्लांट्स हैं इसी फैमिली के मेंबर्स हैं। तो इसमें सबसे कॉमनली जो है वो हम लोग कस्कुटा देखते हैं। अमरबेल तो सड़क के किनारे हर जगह दिखाई देती रहती है, और साथ साथ एक पर्पल कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स वाला प्लांट है जो सड़क के किनारे अधिकतर दिखाई देता है, तो वो भी इसी फैमिली का मेंबर है और वो आइपोमिया स्पीशीज़ है, ठीक है। तो दिस फैमिली, इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसका जो फ्लावर है वो बहुत कुछ हमें किसके धतूरे से मिलता जुलता सा लगता है। धतूरा हम लोगों ने यहाँ लैब में भी किया था, आप लोगों ने देखा था, फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है। तो इसी वजह से ये कंट्रोवर्शियल फैमिली भी है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट इसको सोलेनेसी के साथ मर्ज करके पढ़ते हैं, और कुछ स्प्रोफुलेरियेसी फैमिली है उसके साथ मर्ज करके पढ़ते हैं, तो फिर या फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं उसी फैमिली के साथ में।
तो बच्चों ये दो फैमिली से रिजेम्बल करती हुई फैमिली है, सोलेनेसी एंड स्क्रोफुलेरिएसी। तो ये इसकी सबसे खास बात है। अभी तक किसी भी फैमिली में मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं बताया है कि वो कंट्रोवर्शियल है या उसको किसी दूसरी फैमिली के साथ मर्ज करके साइंटिस्ट पढ़ते हैं। तो फिर लेकिन ये वाली एक ऐसी फैमिली है जो सोलेनेसी और स्क्रोफुलेरिएसी दो फैमिलीज के साथ इसका रिजेम्बलेंस चलता है। और दिस फैमिली इंक्लूड्स 56 जेनरा एंड 1820 स्पीशीज, बट इन इंडिया ओनली 20 जेनरा एंड 158 स्पीशीज आर फॉर्म्ड। द प्लांट्स आर मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स, ट्विनिंग क्लैम्पर्स, वेरी रेयरली ट्रीज लाइक इरिसाइपी। तो इसके जो प्लांट्स हैं मोस्टली हर्ब, श्रब्स या ट्विनिंग क्लैम्पर्स हैं। तो ट्विनिंग माने लिपट के ग्रो करने वाले, क्लाइंब करने वाले जो प्लांट्स हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण कसकुटा यानी कि अमरबेल हमारे सामने है। हम लोग आज ही तुम लोग लौटना तो फिर सड़क के किनारे देखते जाना जो पेड़ उगे होते हैं उनके ऊपर किस तरीके से लिपट के अमरबेल ग्रो कर रहा होता है। कसकुटा स्पीशीज इज रूटलेस एंड लीफलेस टोटल पैरासाइट विद ट्विनिंग स्टेम। ये इसका सबसे खास मेंबर है जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, जो कि पैरासाइट है, टोटल पैरासाइट है, ठीक है। और ना ही इसकी पत्तियां होती हैं और ना ही इसकी रूट होती है, पर इसमें फ्लावरिंग देखी जा सकती है। हम लोग जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का भाई फ्लावर क्यों पढ़ते हैं, फ्लावर इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसका जो क्लासिफिकेशन है वो उसके फ्लावर्स को देख के ही हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि वो किस फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो इसीलिए अब इसमें फ्लावरिंग होती है कसकुटा में, तो उसके फ्लावर को देख के उसको इस फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। द रूट्स ऑफ आइपोमिया बटाटा स्टोर्स फूड एंड बिकम फ्लैशी। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग शकरकंद की जड़ खाते हैं वो फ्लैशी होती है, मोटी होती है और अच्छे से फूड अपने अंदर स्टोर की होती है और आप लोग उसको खाते भी हैं। स्टेम ऑफ दिस फैमिली इज यूजुअली हर्बेशियस, एरियल, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड हेयरी। तो इस फैमिली का जो स्टेम है वो अधिकतर हर्बेशियस होता है, एरियल होता है, इरेक्ट यानी सीधा। आप लोगों को बार बार हम बताते हैं कि प्लांट्स हैबिट में दो तरीके के होते हैं, एक इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधे खड़े होने वाले अर्थ के सरफेस पर, और दूसरे हैं कौन से, दूसरे जो प्लांट्स लेट के ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट, इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट। और जो क्लाइंबिंग वाले हैं वो सारे इरेक्ट प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं, पर उनका जो स्टेम है वो थोड़ा वीक होता है तो इसलिए वो किसी से लिपट के ग्रो कर रहा होता है। आप लोग को पता है ना, आप लोग को क्या बनानी है, हर्बेरियम है ना। हर्बेरियम में आप क्या कर सकते हैं, एक कोई छोटी सी वो स्टेम का पीस लेके, अमरबेल कहीं से लेके उस पर लिपटा के ग्रो करके, और ग्रो नहीं मीन्स लिपटा के ड्राई करके उसको प्रेस करके रख दीजिए और अपनी हर्बेरियम में आप लगा सकते हैं। फैमिली आपको पता ही है, उसका नाम पता ही है, तो आप ऐसे प्लांट्स सेलेक्ट करते रहिए और उनको लेके प्रेस करते रहिए, क्योंकि गीले प्लांट्स कभी हर्बेरियम में नहीं लगाए जाते, उनको ड्राई करके ही लगाना है। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि आप कसकुटा भी अपने उसमें लगा सकते हैं। देखो एक शो भी चीज़ होती है और एक उसका प्रेजेंटेशन भी होता है कि वो ऐसे तो ग्रो नहीं कर रहा है, वो किसी पे लिपट के ग्रो कर रहा है। तो कैसे भी किसी भी प्लांट का आप छोटा सा स्टेम ले लीजिए, उस पर ऐसे ऐसे लिपटा के आप उसको ड्राई कर लीजिए, ऐसे प्रेस कर दीजिए कहीं पे, तो खूबसूरत भी लगेगा, उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा और उसकी हैबिट भी आपने बता दी उसकी मदद से, तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। इन क्लाइंबिंग स्पीशीज द स्टेम इज वेरी वीक एंड ट्विनिंग। जो क्लाइंबिंग स्पीशीज होती हैं उनका स्टेम बहुत ही वीक होता है और लीव्स आर अल्टरनेट एक्सेस टिपुलेट। अल्टरनेट का मतलब आप लोग समझते हैं ना, जैसे ये सपोज स्टेम है तो स्टेम के एक बार इधर लीफ निकलेगी, दूसरी लीफ इधर निकलेगी, तीसरी लीफ इधर, चौथी लीफ इधर, तो अल्टरनेट होती हैं लीव्स। एक्सेस टिपुलेट मीन्स स्टिप्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट। हाँ क्या बोल रहे हो, एक्सेस टिपुलेट मतलब मैं अल्टरनेट लीफ होती हूँ प्लस के साथ
ओके, सिंपल समटाइम्स पिनेटली और पामेटली कंपाउंड। तो पिनेटली कंपाउंड का मतलब है कि वो छोटी छोटी पिन्ना उसमें होती हैं, यानी छोटी छोटी लीफलेट्स होती हैं, जैसे कि साइकस में भी मिलती थी कि छोटी छोटी लीफलेट्स होती थी, और उसी तरीके से इसमें भी होती हैं, लीफलेट्स होती हैं, पिनेटली कंपाउंड होती है। और पामेटली कंपाउंड का मतलब है पाम, ये हथेली जैसा, और उसमें ये आगे से बाइफर्केटेड है ना, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो उसका कंबाइंड होता है, तो हम उसको कहते हैं जो हथेली जैसा पाम जैसा दिखाई देता है उसको हम कहते हैं पामेटली कंपाउंड, और जो पूरी ही पूरी छोटी छोटी लीफलेट्स होती है उनको हम कहते हैं पिनेटली कंपाउंड। तो द लीव्स में भी पामेटली कंपाउंड और पिनेटली कंपाउंड। अब इनका इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर कैसा होता है? इन्फ्लोरेसेंस इज एक्सिलरी साइम और सॉलिटरी। इसके एक्सेल में साइमोस इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसके एक्सेल में मिलता है, या सॉलिटरी सिंगल फ्लावर मिलता है। ठीक, फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट ऑफिन शोई। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, बताया जैसे मैंने कि वो पर्पल वाला फ्लावर यहाँ पे कानपुर की जो हम लोग की क्लाइमेट है उसमें बहुत ज़्यादा अभी समर्स आएंगी, तो आपको सड़क के किनारे बहुत सारे गर्म थोड़ा मौसम होने लगेगा, तो सड़क के किनारे जो झाड़ उग जाते हैं उसमें काफ़ी आपको देखने को मिलता है पर्पल कलर के, इतने बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत शोई होते हैं, यहाँ तक कि जो कसकुटा है, कसकुटा के भी फ्लावर ऑरेंज कलर के और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो इसके फ्लावर्स शोई शोई माने अट्रैक्टिव टाइप के फ्लावर्स होते हैं, परफेक्ट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल, ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनको परफेक्ट या कंप्लीट बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि हम किसी भी रेडियस से काट कर उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इट इज़ पेंटामिरस। एंड हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस कोई मुझे बताएगा क्या होता है? हर बार हर फ्लावर के साथ मैं बताती हूँ हाइपोगाइनस या एपिगाइनस। हाँ, इस हाइपोगाइनस फ्लावर को देखो बेटा, हम किसी भी चीज को समझने के लिए उसको ब्रेकअप करके उसका मीनिंग समझ सकते हैं, और फिर उसके बाद हम ओवरी सुपीरियर बताएंगे तो बेटर लगेगा। हाइपो मीन्स नीचे, गाइनस मीन्स गाइनीशियम के, मीन्स गाइनीशियम के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं। जब गाइनीशियम के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं तो गाइनीशियम कहाँ हो गया? ऊपर। गाइनीशियम ऊपर हो गया तो ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर। गाइनीशियम में ओवरी तो होती है ना, ओवरी स्टाइल और स्टिग्मा होते, तो ओवरी जब ऊपर होगी तो क्या कहलाएगी? ओवरी सुपीरियर। और फ्लावर कैसा कहलाएगा? हाइपोगाइनस। हाइपो माने नीचे, गाइनस मीन्स गाइनीशियम के, तो हाइपोगाइनस फ्लावर्स में जो सारे पार्ट्स होते हैं वो ओवरी के नीचे से निकल रहे होते हैं और ओवरी सुपीरियर होती है। कैलिक्स, कैलिक्स किससे रिप्रेजेंट होता है? सेपल्स से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपल्स, 5 डीपली लोब्ड पॉलीसेपेलस। पॉलीसेपेलस माने सारे सेपल्स आर फ्री, वो फ्यूज नहीं होते। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट माने लगे ही रहते हैं लास्ट तक। समटाइम्स अनइक्वल, किसी किसी जो मेंबर है उसमें ये अनइक्वल भी देखे गए हैं। दे आर अरेंज्ड इन इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट एस्ट्राइवेशन, या तो ये इम्ब्रिकेट एस्ट्राइवेशन में लगे रहते हैं या वॉल्वेट एस्ट्राइवेशन में लगे रहते हैं। कोरोला पेटल्स आर 5, गैमोपेटेलस। अच्छा, गैमोपेटेलस का मतलब क्या हुआ? गैमो मीन्स फ्यूज्ड, ऑल द पेटल्स आर फ्यूज्ड, है ना। पॉली अगर होता, जैसे कि पॉलीसेपलस कंडीशन बताई, सेपल्स आर फ्री, और गैमोपेटेलस यानी कि पेटल्स आर फ्यूज्ड। 5 लोब्ड, 5 लोब्ड होते हैं, कंपैनुलेट और फनल शेप्ड और सब ग्लोबल्स, यानी कि क्या होता है कि ये सारे जो पेटल्स हैं वो फ्यूज होके घंटाकार टाइप का या बेल शेप्ड कोई भी स्ट्रक्चर जैसा फॉर्म कर लेते हैं, या फनल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, या सब ग्लोबोस। सब ग्लोबोस तब कहते हैं जब ये गोलाकार कुछ फॉर्म लिए हुए होता है, तो मतलब सारे के सारे पेटल्स फ्यूज होकर कोई एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं।
द एस्टाइवेशन इज वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट. इन पेटल्स में भी ये जो एस्टाइवेशन है ये वॉल्वेट या इम्ब्रिकेट देखने को मिलता है. देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम किससे रिप्रेजेंट होता है, स्टेमिल्स है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. तो फाइव स्टेमिल्स पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस कंडीशन का मतलब होता है ऑल द स्टेमिल्स आर फ्री. एपिपेटलस, एपिपेटलस माने पेटल्स के ऊपर जुड़े रहते हैं. फिलामेंट्स आर अनइक्वल, फिलामेंट्स इस फैमिली में कुछ मेंबर्स में इक्वल होते हैं बट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में अनइक्वल होते हैं. तीन एक साइज के होंगे और दो एक साइज के होंगे, तो 3+2 इसके फिलामेंट्स होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, इसलिए उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंथर्स आर सैजिटेट, सैजिटेट का मतलब है तीर जैसा, तीर आप लोगों ने देखा है ना, ऐसे एरो, एरो शेप्ड तिकोना टाइप का. तो एंथर्स इसके कैसे होते हैं, तिकोना टाइप के होते हैं, सैजिटेट होते हैं. डाइथिकस, डाइथिकस माने टू एंथरलोब्स आर प्रेजेंट, बेसिफिक्स यानी एंथरलोब्स के बेस के नीचे फिलामेंट जुड़ा रहता है, बेसिफिक्स. इंट्रोज यानी कि उनका जो एंथरलोब्स है उनका फेस किधर होता है, अंदर की ओर होता है, तो उसको इंट्रोज कहते हैं. गाइनीशियम, गाइनीशियम इज बाइकार्पलरी, रियली 3-5 वैसे तो बाइकार्पलरी होता है, उसमें दो कार्पल्स होते हैं और बाइलोक्युलर भी होता है, लेकिन कभी कभी 3-5 चैम्बर्स उसमें देखने को मिलते हैं कुछ मेंबर्स में. दीज आर सिनकार्पस, सिनकार्पस माने कार्पल्स आर फ्यूज्ड. ओवरी इज सुपीरियर बाइलोक्युलर, टू ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल, ठीक है, बाइकार्पलरी है, बाइलोक्युलर है. कार्पल और लॉक्यूल में फर्क आप लोग को पता है ना, कार्पल ओवरी वॉल की इनफोल्डिंग को जब काउंट करते हैं तो वो कार्पल्स कहलाते हैं, है ना, ओवरी वॉल की इनफोल्डिंग इज नोन एज कार्पल्स, और उसके अंदर वाली जो वॉल होती है उससे जो चैम्बर्स बने होते हैं उसको हम लॉक्यूल्स कहते हैं, ठीक है. तो उसमें आप देखिए कि बाइकार्पलरी, बाइलोक्युलर और ईच लॉक्यूल में दो दो ओव्यूल प्रेजेंट है. कल जो हमने फैमिली पढ़ी थी उसमें बाइकार्पलरी, बाइलोक्युलर था और हर लॉक्यूल में एक ओव्यूल था, लेकिन आज वाली फैमिली में बाइकार्पलरी, बाइलोक्युलर और हर लॉक्यूल में दो ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे. ओके, प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, एक्साइल प्लेसेंटेशन समझते हैं ना, सारे प्लेसेंटेशंस मैं बता चुकी हूँ. और जो फ्लावर का एक वीडियो है मेरा जिसमें सारे फ्लावर के पार्ट्स बताए हैं, उसमें बहुत ही क्लियरली बताया है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन कैसा होता है. तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो फिर से देखिए. बच्चों अभी हम लोग लगभग 8 फैमिलीज पढ़ चुके हैं, तो 8 फैमिलीज पढ़ने के बाद भी अभी ये टर्मिनोलॉजी अगर नहीं सीखोगे तो कैसे करोगे. 19 फैमिलीज आपके कोर्स में है, समझ रहे ना, और सारी की सारी टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है टैक्सोनॉमी. और टैक्सोनॉमी को जो बच्चे पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं, उसकी सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, तो वो एकदम मैथमेटिक्स की तरीके से आपको बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं इसमें, मार्क्स आपके बहुत अच्छे आ सकते हैं अगर आप टैक्सोनॉमी को समझ सकते हैं. तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करिए और ये जान लीजिए कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं. वैसे तो मैं लगातार बताती जाती हूँ लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना बेटा, इतने सारी फैमिलीज पढ़ने के बाद. तो स्टिग्मा, सॉरी, प्लेसेंटेशन इज एक्साइल, स्टाइल इज लॉन्ग, स्टिग्मा इज डम्बल शेप्ड, हाइपोगाइनस एंड एन्यूलर नेक्टर डिस्क इज प्रेजेंट, ठीक है. इसमें कोई टर्म ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, हाइपोगाइनस आप लोग समझ रहे हैं, एन्यूलर नेक्टर डिस्क, एन्यूलर माने एक रिंग शेप्ड नेक्टर डिस्क होती है जो ओवरी के चारों तरफ आपको दिखाई देती है. नेक्टर डिस्क होने का मतलब है कि वहाँ पर नेक्टर प्रेजेंट है,
नेक्टर यानी कि मकरंद यानी स्मेल यानी फ्रेग्रेंस। और जब भी किसी फ्लावर के पास फ्रेग्रेंस होती है तो वहाँ पर इंसेक्ट्स विजिट करते हैं, है ना, उससे अट्रैक्ट होके, हनी बी हो चाहे कोई और बहुत सारे तरह के माइट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो उस फ्लावर को विजिट करते हैं। अगर एक तो उसके अट्रैक्टिव कलर्स हो, दूसरा उसके पास नेक्टर हो, तो ये थोड़ा सा ब्रेन आप अप्लाई करेंगे तो आप बता सकते हैं कि इसका पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, जब वहाँ पे इंसेक्ट्स आएंगे तो वो उसमें हेल्प करेंगे, तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं इस तरीके के फ्लावर्स, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रूट एंड सीड। फ्रूट इज कैप्सूल 2-4 वर्ड इन कस्क्यूटा। द फ्रूट इज ड्राई और फ्लैशी कैप्सूल डहीसिंग इनरेग्युलरली। इनका जो कैप्सूल होता है वो इरेगुलरली दहीस होता है। दहीसिंस का मतलब होता है फटना, है ना, इरेगुलरली फटता है। सीड्स आर स्मूथ और हेयरी, नॉन एंडोस्पर्मिक, या तो एंडोस्पर्म नहीं होता है या फिर बहुत छोटा सा एंडोस्पर्म होता है। एम्ब्रियो इज यूजुअली लार्ज इन दिस दी सीड्स। इन सीड्स का एम्ब्रियो थोड़ा साइज में बड़ा होता है। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट्स, डिस्पर्सल टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैमिली का तो हो गया। अब ये जो डायग्राम्स है, आज आप लोग ये डायग्राम्स यहाँ पर कैसे देखेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग के पास यहाँ पर कोई भी ऐसा साधन नहीं है, और ये जो बच्चे ऑनलाइन हैं तो सभी के लिए ये चीज़ हो जा रही है कि आप इसको वीडियोस में देखिएगा, क्योंकि ये स्क्रीन तो रिकॉर्ड हो रही है, उसके साथ में मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। तो इसमें फैमिली कॉन्वॉल्वेंसी का जो मेंबर है वो यहाँ पर एक मेंबर की पूरा, जैसे हम लोग लैब में बनाते हैं तो एक क्विक है, एक एलएस ऑफ फ्लावर है, और बहुत ही आइए थोड़ा सा इधर में, हाँ ये देखिए ये ट्विग है, फिर ये एलिस ऑफ फ्लावर, इसमें सेजिटेट टाइप ऑफ आपको स्टैमेंस दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके के एरो शेप स्टैमेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डंबल शेप इसका स्टिग्मा दिखाई दे रहा है, ये आपको इसकी ओवरी दिखाई दे रही है। ओवरी में आप देखिए बाइकार्पुलरी, बाइलोक्युलर, और हर लॉक्यूल में दो दो ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये इसका क्या है, फ्लोरल डायग्राम है। ये आप देखिए डम्बल शेप्ड स्टिग्मा, एरो शेप्ड स्टैमेन, एंड दिस इज ओवरी। अब आप देखिए एलिस ऑफ फ्लावर में आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो इसके स्टैमेंस बड़े हैं और बाकी तीन छोटे हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये बताती है कि दीज आर अटैच टू पेटल्स। ठीक है, पेटल्स के साथ अटैच होते हैं। तो ये सारा जो मैंने आपको इसमें डायग्राम्स दिखाए हैं तो उससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि ये कैसा फ्लावर है, और रिकॉर्डिंग्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो ऑनलाइन बच्चे हैं परेशान ना होइए, आप लोग को ये सब रिकॉर्डिंग में देखने को मिल जाएगा। और अभी मैं थोड़ी देर में इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, तो फिर आप उसको देख लेंगे तो फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। और बाकी ये फैमिली बहुत ही ईजी है, साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो कि पूछा जाएगा, लेकिन मेन चीज़ इसमें ये है कि इसका एक मेंबर ऐसा है जो टोटल पैरासाइट है। टोटल पैरासाइट का